Hit the subscribe button and press the bell icon to never miss an update. हाय गाइस, दिस इज सचिन निगम और जैसे कि आप जानते हैं इन्फिनिटी वॉर मूवी आने ही वाली है, तो ये सही टाइम है जिसमें आपको लीक्स एंड रूमर्स सुनने को जरूर मिलेंगे। आज हम ऐसे ही एक लीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ये तक कहा गया है कि मूवी के शुरू के 25 मिनट लीक हो चुके हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि उस लीक में क्या कहा गया है। वीडियो सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट इसके पहले कि आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग जरूर देना चाहूँगा। अगर कुछ सच हुआ तो हो सकता है आपकी मूवी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए स्पॉइलर वार्निंग मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आप नहीं स्पॉइल होना चाहते तो ये वीडियो मत देखिएगा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मार्वल फैन को स्पॉइलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, स्पॉइलर में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कहा गया है कि मूवी की स्टार्टिंग होते वक्त हमें देखने को मिलता है थानोस, जो कि एक शिप से देख रहा है अपने टाइटन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो। तो गाइस, इसके बाद हमें देखने को मिलता है थानोस जो कि आ चुका है ज़ेंडोर ग्रह पे और तबाह कर चुका है पूरा का पूरा ज़ेंडोर ग्रह। उसके बाद हमें देखने को मिलता है थानोस जो है बाकी लोगों को मार रहा है और नोवा प्राइम से के पास आकर वो उनसे पूछ रहा है कि पावर स्टोन में आखिरकार है कहाँ, लेकिन नोवा प्राइम उसको पावर स्टोन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एबनी मॉन जो कि नोवा प्राइम को टॉर्चर कर रहा है और उनसे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि पावर स्टोन गया कहाँ, क्योंकि थानोस को पावर स्टोन चाहिए। वो पहला इन्फिनिटी स्टोन होने वाला है जो कि थानोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर लगाएगा। उसके बाद नोवा प्राइम उसको कहती है कि मुझे नहीं पता पावर स्टोन कहाँ है, हमने किसी फैमिली को देकर यहाँ से भेज दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिप जो ज़ेंडोर ग्रह से उड़ रही है, लेकिन थानोस अपनी पावर के साथ, अपने हाथों की पावर के साथ उसको वापस से नीचे गिरा देता है और वहाँ से ले लेता है पावर स्टोन को। तो गाइस, इसके बाद सीधा हमें सीन देखने को मिलता है अर्थ का, जहाँ पर हमें टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन की डेली लाइफ के बारे में दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा ब्रीफ सीन है, इसके बाद डायरेक्टली हमें वापस से स्पेस में ले जाया जाता है और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है थानोस जो कि अटैक कर रहा है थॉर की शिप पर। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉर्ग, वाल्करी और हाइमडल, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एसगार्डियंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और थानोस और उसके ब्लैक ऑर्डर से लड़ने के लिए हल्क, लोकी और थॉर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लोकी और थॉर जो हैं वो डायरेक्टली ब्लैक ऑर्डर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो हल्क है वो जाके डायरेक्ट थानोस से बैठ जाता है और दो तीन मुक्के उसके मुंह पर धर देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थानोस ने उन सबको हरा दिया है और थॉर को पकड़ लिया है और लोकी को कह रहा है कि जब तक तुम टेसरैक्ट मुझे वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन सब रूमर्स पे बिलीव करने का कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये सीन हो सकता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लोकी जो कि अपने ब्रदर की लाइफ को बचाने के लिए थानोस को टेसरैक दे देता है और थानोस उसको तोड़कर अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में लगा लेता है, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा है। तो आगे लीक कहता है कि इस सीन के अंदर लोकी को मार दिया जाता है और थॉर को फेंक दिया जाता है स्पेस में, जहां वो मिलेगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को। इसके बाद थानोस की मेन पावर हमें देखने को मिलती है, वो हल्क को मार धाड़ कर स्पेस के अंदर फेंक देता है और अर्थ की तरफ फेंकने के बाद उसको बोलता है कि जाओ उनको बता दो कि मैं आने वाला हूँ और तैयारी शुरू कर दो। तो गाइस, बस इतना ही कहा गया है इस रूमर के अंदर और मेरे ख्याल से काफ़ी सॉलिड रूमर है और काफ़ी सॉलिड ये लीक है। मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा शुरू के 25 मिनट्स में डेफिनेटली हो सकता है। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली ये ट्रू एक रूमर है और हो सकता है कि शायद फ्यूचर के अंदर हमें मूवी जब भी आएगी तो शुरू में हमें यही देखने को मिले। मैं ये चाहूँगा अभी फ़िलहाल आपसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके व्यू बताएं कि आपको क्या लगता है, कैसा एक्चुअली में होने वाला है या नहीं होने वाला है, और शुरू में इन्फिनिटी वॉर के अंदर आप क्या देखना पसंद करेंगे, कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और ऐसे ही अमेजिंग मार्वल और डीसी वीडियोस के लिए चैनल पे डेफिनेटली बने रह सकते हैं। दिस सचिन निगम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।